इधर सूरत बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत की बात सामने आई है, लेकिन मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है, लेकिन शनिवार को 6 मंजिला इमारत ढहने से यह हादसा हुआ था। सबसे ज्यादा दुखद यह भी है कि सीधी के 5 मजदूर इस बिल्डिंग के मलबे में नीचे दब गए। जो 7 मजदूरों की मौत हुई है उनमें से 5 मजदूर सीधी के हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है। एक महिला को वहां से सुरक्षित बचाया गया है, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खास बात यह है कि जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें 2017 में ही यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। अभी भी इसमें कुछ रेनोवेशन का काम चला था, तभी यहां पर मजदूर थे, लेकिन यह बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह गई, जिससे इसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा।